हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल यश की बगिया और इसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आपका सपोर्ट बहुत मिल रहा है, स्नेह बहुत मिल रहा है और आपके शानदार कमेंट से हमारा मनोबल बहुत बढ़ता है, उसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फ्रेंड्स, बरसात यानी मॉनसून सीजन चल रहा है, कुछ फूलों वाले पौधों की कटिंग बहुत आसानी से लग जाएगी। तो ऐसे कौन कौन से फूलों वाले पौधे हैं जो जिनकी कटिंग हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं, यही मैं आज आपसे शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर आता है मोगरा का प्लांट। इसकी कटिंग आप किसी भी प्रकार की इस समय पर मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत आसानी से लग जाएगी। इसके फूलों की खुशबू भी बेहद शानदार होती है। अगला प्लांट आता है सदाबहार का। इसकी मैंने पिंचिंग करी थी, पिंचिंग करके मिट्टी में ऊपर ऐसे ही लगा दिया था, आप देख सकते हैं लग गई है। ये भी कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। इसका आप एक पौधा भी लगा देंगे तो ढेरों प्लांट आपके बीजों से तैयार हो जाएंगे। और अगला प्लांट आता है गुलदाउदी का यानी क्रिसेंथमम का। इसकी कटिंग भी आप इस समय पर किसी भी प्रकार की मिट्टी में लगा देंगे तो बहुत जल्दी से लग जाएगी। वैसे मैंने कुछ दिन पहले इसकी सीडलिंग भी तैयार करी थी जो बहुत अच्छे से चल रही है। मैं इसको हिला नहीं सक रही हूँ क्योंकि हिलाने से कटिंग कई बार ख़राब हो जाती है। और अगला प्लांट आता है चंपा और ये है नागचंपा का। इसकी कटिंग भी आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये नागचंपा की कटिंग है, बहुत अच्छे से चल पड़ी है। और ये चंपा की कटिंग है जो बहुत ही आसानी से तैयार हो जाती है। कटिंग से आप इसको किसी भी प्रकार की मिट्टी में ऐसे ही डाल देंगे ब्रांच को कट करके, तो बहुत ही आसानी से इस समय पर चल पड़ेगी। अगला प्लांट आता है कनेर यानी ओलियंडर का। इसकी भी आप छोटी सी ब्रांच की कटिंग भी लगाएंगे तो बहुत आसानी से लग जाती है। कटिंग लगा के ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे हिलना डुलना बिल्कुल भी ना हो कटिंग का, आराम से वो उसमें आप पानी डाल सको। फ्रेंड्स, कटिंग जहाँ पर भी रखें, शेड के नीचे रखें, हवा उसको मिलती रहे, पानी का छिड़काव आप प्लांट को देते रहें, कटिंग को देते रहें। फ्रेंड्स, मॉनसून सीजन चल रहा है तो गुलाब की कटिंग भी बनती है, गुलाब की कटिंग भी आप इस समय पे लगा सकते हैं। मैंने इस रेत के कंटेनर में ही गुलाब की कटिंग लगा दी थी जो आप देख सकते हैं नई ग्रोथ भी शुरू हो रही है। इसके अलावा आप हिबिस्कस प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। कटिंग ये देख सकते हैं, कटिंग से मैंने कई सारे प्लांट इसके तैयार किए हैं। कटिंग आप पेंसिल आकार की लें, कई सारे कटिंग लगाएं। फ्रेंड्स, हाइब्रिड की कटिंग भी लग जाती है लेकिन मुझे सफलता देसी गुड़हल में ज़्यादा मिली है। हाइब्रिड गुड़हल है, हिबिस्कस है, इसकी कटिंग भी आसानी से लग जाती है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस देसी गुड़हल की कटिंग में रहा है। उसे मैंने जैसे भी लगाया है बहुत आसानी से लग जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि आप देसी गुड़हल की कटिंग ज़्यादा ट्राई करें। मैं इसकी भी अभी कटिंग लगाई है, शेयर ज़रूर करूँगी। इस प्रकार से आप मॉनसून सीजन का फायदा उठाते हुए फूलों वाले पौधों की कटिंग जरूर ट्राई करें। कटिंग से आप ढेरों प्लांट तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मेरा आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।